निकल ले जनता नगर से। वेलकम बैक टू द चैनल। एक नए वीडियो में फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम जा रहे हैं, ये ट्रिप जो हम कवर कर रहे हैं इस ब्लॉग में वो है गोवा का बेंगलोर से। हम लोग बेंगलोर से अराउंड 4:30 मॉर्निंग में निकले थे और अभी तो हम लोग अराउंड 126 किलोमीटर कवर कर भी चुके हैं। तो उस समय निकले थे, काफ़ी डार्क था 4:30 में, तो आपको ज़्यादा कुछ उसमें कैप्चर नहीं किया। आप अभी जस्ट प्रीवियस क्लिप में देखे होंगे जो हम बेंगलोर से निकलने का वो हमारा क्लिप था। और अभी अब 127 किलोमीटर हो गया है, हम लोग आगे गोवा की तरफ बढ़ रहे हैं और फिर आगे ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग रुकेंगे अराउंड टारगेट 7:38 AM। फिर जब ब्रेकफास्ट के लिए रुकते हैं तो आपसे मिलते हैं। अंटिल देन आप हमारे साथ गोवा का जर्नी एंजॉय करो। इस ट्रिप का फर्स्ट टोल हम आप पे करने जा रहे हैं। ये फर्स्ट टोल हम पे कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 127 किलोमीटर आने के बाद टोल लग रहा है। पीछे कुछ टोल थे, अब वो शायद वर्किंग नहीं है, उनमें कलेक्शन अब नहीं होता है, पर पीछे कुछ 20-25 किलोमीटर रोड की हालत भी बहुत ख़राब थी, काफ़ी बैच था। अब हमें पूरा रोशनी अभी दिख रहा है। हम 4:30 नहीं अराउंड निकले थे, 4:30 के अराउंड, उससे 6:30 तक कम्प्लीट डार्क था, कुछ विजिबल नहीं था। अभी जाके हमें रोशनी दिखना शुरू हुआ है थोड़ा, तो ऑलमोस्ट हम लोग 125+ किलोमीटर पूरा डार्क था उसी में कवर किए हैं। देखो इस ट्रिप तो हो जाए कि हम लोग 5 डेज के लिए गोवा जा रहे हैं और हमारी जो सफारी है फुल कैपेसिटी में जा रही है, तो हम लोग फुल जो 7 सीटें यूटिलाइज हो रहा है, इवन 8 जा रहे हैं, एक छोटी बेबी को ले तो 8, अदरवाइज फुल 7 सीट हम लोग ऑक्यूपाइड है यहाँ। और चूँकि हम लोग 5 डेज के लिए जा रहे हैं और ऑल 7 सीट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो बूट में ज़्यादा कुछ स्पेस नहीं है, तो हमने लगेज काफ़ी लाइट पैक किया है। तो लाइट पैकिंग करके हमने किसी लगेज एडजस्ट किया है जो 5 डेज गोवा के लिए मैनेज करेंगे और फुल कैपेसिटी में हम लोग जा रहे हैं। तो आज सफारी का फुल यूटिलाइजेशन। देखो अब एक अच्छा सनराइज हो गया है, अब कैमरा में भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है पीछे साइड, हमारे पीछे सूरज दादा सूरज देव दर्शन दे रहे हैं अच्छा सा। लो मैं आपको सुबह सुबह सूरज देव का भी दर्शन करा दिया इस वीडियो के थ्रू। हम लोग ये क्रॉस कर रहे हैं, जो लास्ट टाइम चित्रदुर्ग आए थे तो इस पूरे इसमें सनफ्लावर का खेती था, पूरा सनफ्लावर दिख रहा था। अभी सीजन नहीं है, सब कटा हुआ है, खाली है, पर ये लेफ्ट साइड में हमें पूरा सनफ्लावर मिला था। हमें विंड व्हील्स दिखना शुरू हो गया है धुंधुन में थोड़ा, तो इसका मतलब हम लोग चित्रदुर्ग के पास में पहुंच रहे हैं, क्योंकि अब विंड व्हील्स दिख रहा है। तो हमने डायरेक्ट ऑलमोस्ट सुबह से कंटिन्यूस ड्राइव कर ही रहे हैं, 267 किलोमीटर कर दिए कंटिन्यूस ड्राइव बिना रुके हुए। अब ब्रेकफास्ट के लिए रुकने का इंतजार है, किसी अच्छे रेस्टोरेंट का इंतजार है, मिलेगा तो फिर ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे। तो सुबह का था जो अर्ली मॉर्निंग 4:30 निकलने का फायदा, अच्छा खासा स्ट्रेच हमने खींच लिया है। आगे विंडमिल दिख रहा है, पता नहीं कैमरा में कितना कैप्चर हो रहा है कि नहीं, क्योंकि धुंध है, पर सामने एकदम पूरा विंडमिल्स है दिख रहा है। अब शायद थोड़ा कैप्चर हो रहा है कैमरा में, धुंध से कवर्ड है पर फिर भी अभी कैमरा में थोड़ा आ रहा है, आप देख सकते हो विंडमिल्स दिख रहा है, चित्रदुर्ग आ रहे हैं। देखो सामने तो ये पूरा रास्ता वही हाल है, ट्रक आके पैरेलल में चलते हैं, जगह नहीं देते हैं, पर चलो तब तक आप विंडमिल्स देखो, हम जब ट्रक से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे बचपन का पवन चक्की, बड़े होने के बाद विंडमिल्स। यस, साइड में और सामने सारे विंडमिल्स दिख रहे हैं अभी। देखो कितने पास आ गए, इसी लग रहा है सर पे, सड़क पे रोड पे है। yeah.
4:30 अराउंड निकले थे, अभी अराउंड 7:45 हो रहा है और हम लोग चित्रदुर्ग टाउन क्रॉस भी कर लिए। अर्ली निकलने का अर्ली स्टार्ट का फायदा ये होता है। अब हम लोग दावणगेरे पहुंचने वाले हैं। अभी तक हमें कोई ढंग का रेस्टोरेंट तो नहीं मिला है ब्रेकफास्ट के लिए, तो फिर कर रहे हैं कि दावणगेरे पहुंचे शायद उसके आसपास हमें मिल जाए, तो देखते हैं दावणगेरे पहुंच के ब्रेकफास्ट के लिए कुछ मिलता है कि नहीं, जहाँ पे हम लोग जा सकें। तो फाइनली काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद अराउंड 8:30 हो रहा है और हमें कोई ऐसा रेस्टोरेंट मिल नहीं रहा था हाईवे पर, मुझे पर हमें पता था कि दावणगेरे के जस्ट बाहर हाईवे पे एक रिसॉर्ट है, अपूर्वा रिसॉर्ट, तो उसमें भी एक रेस्टोरेंट है, तो हम लोग वहीं पे आए हैं। अभी जस्ट वहाँ पे ब्रेक लिया ब्रेकफास्ट के लिए, आपको दिखाता हूँ यहाँ का अपूर्वा रिसॉर्ट है, वहाँ का रेस्टोरेंट। ये देखो अपूर्वा रिसॉर्ट का रेस्टोरेंट है एंड दिस इज रिसॉर्ट अपूर्वा, और वो है हाईवे, जो हाईवे जा रहा है और ये हाईवे के साथ ही में है अपूर्वा रिसॉर्ट करके। तो यहाँ पे रश तो काफ़ी है, भीड़ काफ़ी दिख रही है, काफ़ी गाड़ी बिकॉज ये रिसॉर्ट भी है, लोग खाने के लिए भी आ रहे हैं, रहने के लिए भी, फंक्शन के लिए, तो रश काफ़ी है। रेस्टोरेंट के अंदर जाके देखते हैं। ये रेस्टोरेंट है जगह का, देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इतना रश है, मतलब आके हम लोगों ने वेट भी किया 20-25 मिनट्स पर सीट मिलने का कोई उपाय नहीं है। दूसरा है कि लोग फिनिश करके भी टेबल पकड़ के बैठे हुए हैं, यहाँ पे जो इनका वेटर रेस्टोरेंट बिठाने वाला कोई नहीं है, जो आपको ढंग से बिठाए कोई कुछ नहीं करने वाला है। तो आप यहाँ आओगे तो समझ लो कि पूरा कैओस है, आप मिसमैनेज्ड है, तो आपको काफ़ी लंबा वेट भी करना पड़ सकता है और कोई केयर कार्ड लेने वाला नहीं है, सो वो एक इशू आपको यहाँ पे फेस करना पड़ सकता है। तो फाइनली हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे, अब आगे बढ़ के देखते हैं यहाँ कुछ मिल जाए, तो चलते हैं आगे यहाँ से। चलो फाइनली यहाँ से निकलते हैं टाइम वेस्ट करके। बट हाँ, एक चीज़ हुआ कि यहाँ पे सबको जो रेस्टरूम बाथरूम जाना था वो हो गया, अगर रिसॉर्ट ये था तो अच्छा सा बाथरूम था तो वो वाला हो गया, तो वो एक पर्पज सर्व हो गया, अदरवाइज तो पूरा मिसमैनेजमेंट ही है, मैनेज अच्छे से किया जा सकता। तो हम लोग अब दावणगेरे टाउन को क्रॉस कर रहे हैं, मीन्स बाईपास कर रहे हैं, और स्थिति वही यथास्थिति है, जो खाने के लिए अभी नाश्ते के लिए कुछ मिला नहीं है, रेस्टोरेंट की कोई तलाश जारी है, एक जगह जाके जस्ट टाइम वेस्ट करके आ गए उनके मिसमैनेजमेंट के कारण। तो देखते हैं किस्मत का कौन से रेस्टोरेंट ले जाता है हमें। सो फाइनली हम ब्रेकफास्ट के लिए एक ढाबा पे रुके हैं, सागर ढाबा करके यहाँ पे रुके हैं, और देखते हैं ट्राई करते हैं क्या होगा, चलो चलते हैं। तो फाइनली इस बार हम लोग रॉ ढाबा का एक्सपीरियंस लेने के लिए रुके हैं। ये देखो जो रॉ ढाबा होता है, जो मिलता है हमारे हर तरफ हाईवे पे, तो वही ढाबा का हमारा एक्सपीरियंस यहाँ पे है। और देखो इस बार का जो गोवा ट्रिप हमारा है पूरा फैमिली का ट्रिप है, तो आप मोस्टली सब गोवा बोलते हैं बैचलर फ्रेंड्स मस्ती करने, हम फैमिली के साथ जा रहे हैं, सारे बच्चों से लेके सीनियर सिटीजन। ये देखो दोनों पापा हम लोग के, नेहा मम्मी, दोनों बच्चे, ये रहा मैं और ये मम्मी, तो समझो गोवा हम लोग इस टाइप के सेटअप पे जा रहे हैं, तो ये एक अलग ही मज़ा, अलग ही फन होगा। देखो चलो गोवा पहुँच के हम देखते हैं। ये देखो इस ढाबे का पराठा, क्या मस्त पराठा डाला है, टिपिकल, हाँ ये पिज्जा पराठा ही है लग रहा है, पिज्जा पराठा टाइप का पूरा पराठा है। देखो ये है टिपिकल ढाबा सीटिंग एक्सपीरियंस, और हम लोग इसको मिस कर गए, ध्यान नहीं दिए, नहीं तो हम इसी पे ऐसे ही बैठ के खाते, प्योर ढाबा का मज़ा एक्सपीरियंस आता है इस पे। ये है बेटा ढाबा, रियल ढाबा पे बैठने का एक्सपीरियंस इस पे मिलता है, दोनों साइड ऐसे मस्त पलथा लगा के पैर फोल्ड करके बैठो और इस पे बीच में रख के खाओ, ये रियल ढाबा का मजा आएगा। यस, और अपनी सफारी वेट कर रही है लोगों का। तो देखो हम लोग अराउंड 308 किलोमीटर आ गए हैं यहाँ पे जाके, आके फिर यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किए थे,
अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, देखो मैप लोड हो रहा है, कितना किलोमीटर बचा हुआ है। और देखो अराउंड 321 किलोमीटर अभी बचा हुआ है, 6 hours 13 minutes दिखा रहा है। तो अभी तो ये जो पिज्जा पराठा टाइप का खाए थे काफी हैवी था। अब निकलते हैं और देखते हैं आगे स्टॉप, नेक्स्ट स्टॉप कब लेते हैं, हो भी मे बी गोवा सब ठीक रहा तो। सो ये NH 48 है जिस पे हम जा रहे हैं, मस्त हाईवे मक्खन की तरह, थ्री लेन सिक्स लेन टोटल दोनों साइड मिला के 100 किलोमीटर पर आवर का स्पीड लिमिट है। और ऊपर से मोटा पराठा ब्रेकफास्ट का लोड करने के बाद गाड़ी में और खुद में भी एनर्जी आ गया है। सो और स्मूथ रोड अच्छे से जा रहे हैं एकदम घुड़ के, और देखो कौन चिल्ला रहे हैं। अब हम लोग हुबली पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, मेरा मे बी अराउंड 40 minutes 45 minutes। और हाईवे पूरा स्मूथ स्ट्रेट है, थोड़ा बोरिंग ड्राइव हो जाता है। हुबली पहुंचेंगे, उसके बाद जब हुबली क्रॉस करेंगे तो उसके कुछ देर बाद घाट सेक्शन शुरू होगा, हुबली से थोड़ा आगे बढ़ के फिर थोड़ा अलग ड्राइविंग एक्सपीरियंस होगा। अटेंटिव रहना, ज़्यादा अटेंटिव रहना पड़ेगा, ज़्यादा फोकस्ड। तो अराउंड 6.5 hours में हमने 400 किलोमीटर प्लस ड्राइव कर लिया है, उसमें 1 hour 15 minutes का ब्रेक इंक्लूड कर लिया, टोटल 6 hours 30 minutes में अराउंड 400 प्लस कवर कर चुके हैं। 224 किलोमीटर अभी है अभी जो देख रहे हैं। तो अब यहाँ से हुबली सिटी 2 kilometers है, अगर सिटी जाना है किसी को तो राइट लेके जाता है। हम लोग ऐसे मुड़ के जाते थे ना, एक जैसे मुड़ के उस गेट में घुसते थे ना, हाँ। तो देखो उधर राइट है वो गेट है जिसमें हुबली सिटी जाते थे। इससे पहले जब भी गोवा गए थे तो हम लोग हुबली में नाइट स्टे लेते थे, तो फिर उसमें हम लोग जाते थे उस गेट में, हुबली सिटी में एंटर करते थे। आज हम लोग डायरेक्ट गोवा ड्राइव कर रहे हैं, तो नाउ वी आर गोइंग टेकिंग लेफ्ट और कंटिन्यू करेंगे हम इसी पे। बाय बाय हुबली सिटी, दिस टाइम नॉट कमिंग। और वही हुबली सिटी से निकल के ये हाईवे ज्वाइन करते थे अंदर अंदर जाके। अब शुरू हो जाएगा एडवेंचर, पतलू रास्ता, ये हाईवे का जो था ना मजा खत्म। बस थोड़ा दूर अब देखो हुबली के बाद हम लोग जब यहाँ पे आगे राइट लिए, टोल दिए, उसके बाद आ गया अब अनडिवाइडेड वाला रास्ता, वो बेंगलोर टू हुबली वाला जो हाईवे था उसका मजा खत्म। अब यहाँ से हमें संभल के चलना होगा, देख के सोच के आँख कान खोल के, क्योंकि यहाँ पे अब ये जस्ट 2 lane और प्रॉपर डिवाइडर नहीं है, बस लाइन है, तो आपको केयरफुल रह के अब जाना होगा। ये जो हमें मिला है 2 lane वाला हाईवे, काफ़ी रश है, काफ़ी ट्रैफिक है इसमें दोनों साइड से, हार्डली 30-40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड इस पर मेंटेन कर पा रहे हो और कुछ कर भी नहीं सकते हो, काफ़ी ट्रैफिक है दोनों साइड से, भरे पड़े ट्रक आ रहे हैं। आई थिंक ये दिखा रहा है 14 किलोमीटर के बाद फिर कुछ NH 67 में मिल रहा है, तो लगता है 14 किलोमीटर ऐसे ही जाना होगा। NH 67 में जाएँ तो शायद हो कुछ बेहतर हो, लेट्स सी। ऊपर उधर दिख रहा है राइट में जो ट्रक जा रही है, हम लोग उस हाईवे पे अभी जा रहे थे जब हुबली टाउन को बाईपास करके निकले थे, और वहाँ से फिर हम लोग यहाँ पे सर्विस रोड पे आए हैं जो कि बोल रहा है NH 67 में मिलेगा। देखते हैं क्या होता है, कैसा जा रहा है। अभी हम लोग अब ये टोल पे करने जा रहे हैं जिसके लिए कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, बिकॉज अभी काफी खटारा झड़े रोड से आए हैं और यहाँ पे टोल पे कर रहे हैं। अब हम लोग उस रोड पे आ गए जो हमें याद है, लास्ट ईयर हम गोवा गए थे तो यही रोड पकड़े थे, क्योंकि लास्ट ईयर भी हम नॉर्थ गोवा गए थे डायरेक्ट पहले वैगेटर, तो अभी सेम वही रोड पकड़े हैं। और ये रोड से काफी हद तक तो हम लोग सेटिस्फाइड ही थे जो ये रूट था, तो देखते हैं चलिए आगे, जो जैसा होता है आपको बताते जाते हैं, दिखाते जाते हैं। अब हम लोगों का थोड़ा थोड़ा घाट का फील आना शुरू हुआ है। इस रोड के पैरेलल में रेलवे लाइन जा रही है, आप लोग को वो दिख रहा होगा इलेक्ट्रिक ये वाला, और आगे ट्रेन खड़ी है यहाँ पे। वापस से हम लोग फिर जंगल टाइप वाले रास्ते में आ गए, पूरा फील जंगल वाला, ऑसम फीलिंग।
मतलब जितने बार भी जाओ मस्त ही लगता है, अच्छा ही लगता है। बिकॉज वो साउथ गोवा से था ना, आप ये नॉर्थ गोवा से नॉर्थ गोवा रिटर्न करेंगे तो हमारा रास्ता यही होगा। ब्यूटीफुल, वाव, देखो सामने रास्ता उठ के डायरेक्ट हिल पे जा रहा है। ये जो गोवा वाले रूट पे ना ये सीन बहुत कॉमन है, इस टाइप का ट्रैक्टर ये बड़ा बड़ा दिखता है, पूरा धान का पुआल है, पुआल लग रहा है एकदम पाल रीच का पाल है। इसीलिए देखो यहाँ राइट में जो रास्ता जा रही है वो बेलगांव जाती है, और हम लोग स्ट्रेट ये लिए हैं जो कि गोवा के लिए है। मेन वेस्टर्न घाट इज येट टू स्टार्ट, पर अभी फिर वो जंगली रास्ते में आ गए, शांत जंगल, खूबसूरत रास्ता। अभी तक तो कर्नाटक में छे, यस इन कर्नाटक भी, कर्नाटक वेस्टर्न घाट जंगल का मजा है। और देखिए नाउ वी आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस ट्रेन, रेलगाड़ी छुक छुक छुक। तो इस रास्ते में होता है कि आगे एक बड़ी ट्रक आपको मिल जाती है, उसके पीछे आप सारे बॉगी बन के चलते हो, रेलगाड़ी छुक छुक करते हैं। देखिए कुछ तो फेस्टिवल चल रहा है, कुछ फेस्टिवल चल रहा है उसके लिए, नहीं कुछ तो फेस्टिवल है। तो अभी हम लोगों को अपने स्टे पे पहुंचने में अराउंड 2 hours 30 minutes और है, अराउंड 120 kilometers एयर है। तो अभी हम लोग बस एक छोटा सा स्नैक्स ब्रेक, कॉफ़ी टी ब्रेक या जो भी हो, फूड ब्रेक के लिए रुके हैं, जिसको जो भी लेना हो, फिर यहाँ से आगे निकलेंगे। तो ये हमें बस वही हाईवे के किनारे एक रेस्टोरेंट मिला है जो घाट रोड टाइप का है, जंगल टाइप का रोड है, उसे किनारे आप देखो ये सामने रोड जा रहा है देखोगे, और इसी के साइड में हमें ये मिला है जहाँ पर हम आए हैं, कैफे पैराडाइज होटल वेज एंड नॉन वेज। अब यहाँ हमारा लंच हो गया, अब हम यहाँ से निकलते हैं। हमेशा जितना सोचते हैं उससे ज़्यादा ही हमें लेट हो जाती है यहाँ पे, जितना जहाँ सोचते हैं कितनी जल्दी करके निकल लेंगे पर टाइम उससे ज़्यादा ही लग जाती है। अभी 107 kilometers और दिखा रहा है, 2 hours 30 minutes दिखा रहा है। चलो पहुँचने का टाइम 5:09 हो गया, जो भी गेन किए वो सब अभी बराबर कर दिए हैं, अब आगे देखते हैं। देखो काफ़ी ख़राब स्ट्रेच है ये, काफ़ी पिछले एटलीस्ट 5-7 kilometers ऐसा स्ट्रेच मिल रहा है, एकदम पूरा टूटा हुआ रोड का बुरा हाल। तो देखते हैं ये पूरा टूटा हाल में क्या रहता है पूरा। और ये स्ट्रेच का ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, एकदम हर साल आ रहे तो बुरा ही हाल हो रहा है, उतना ही ज़्यादा डस्ट, उतना ही ज़्यादा नीचे उछल उछल के गाड़ी चल नहीं पा रही है। टूटे फूटे रास्ते से हटके थोड़ा राहत मिल रहा है, देखते हैं राहत कब तक लास्ट करता है। पूरे इतना वो टूटा था, इतना ज़्यादा डस्ट हो रहा था, पूरा गाड़ी ग्लास सब कुछ डस्ट में कवर हो गया, एकदम डस्ट, फुल ऑफ डस्ट। और आगे एक सुंदर सा टेम्पल दिख रहा है, ब्यूटीफुल टेम्पल। चेक पोस्ट पे आ रहा है, ये कर्नाटका साइड का ही चेक पोस्ट लग रहा है, कर्नाटका साइड का चेक पोस्ट है। चेक पोस्ट क्रॉस किया, फिर से घाट की चढ़ाई शुरू। वाह देखो दोनों तरफ कितना डीप घना सा दिख रहा है, खूबसूरत सा रास्ता एकदम साइडो आ गया, सन को पूरा खा गया है, गजब फील दिख रहा है। अब पूरा ट्विस्टी रोड आ गया एकदम, हर थोड़ी दूर पे लेफ्ट राइट सांप की तरह हो रहा है, प्रॉपर घाट सेक्शन का एकदम ट्विस्टी रोड है। ये सी ट्विस्टी रोड के भी हमें गोवा का बॉर्डर क्रॉस करने को मिलेगा, बॉर्डर क्रॉस करेंगे इसी बीच में, इसी घाट के बीच में, फिर उसके बाद हम लोग नीचे उतर जाएंगे गोवा के लिए।
अब हम लोग गोवा में एंटर करने वाले हैं। वेलकम टू गोवा। और भी गोवा में के एंटर कर गए कर्नाटका से। बाय बाय कर्नाटका फॉर टाइम बीइंग एंड लेट्स वेलकम आवरसेल्फ इन गोवा।